हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 19.2 की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से पहले मैं एक्सरसाइज 19.2 के 6 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूं, पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक को सॉल्व किया है। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 264 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब। फाइंड द डायमीटर एंड हाइट ऑफ द पिलर। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेंगे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, जो भी आपको गिवन होता है सबसे पहले आप उसको ड्रॉ कर लें। आपको गिवन है सिलेंड्रिकल पिलर, ओके। तो मान लीजिए ये आपका सिलेंड्रिकल पिलर है, ओके। अब इसके बाद आपको गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके। हम यहां पर लिख लेते हैं जो भी आपको गिवन है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है बच्चों? 264 मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको गिवन है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कितना है बच्चों? 924 मीटर क्यूब, ओके। निकालना क्या है आपको? डायमीटर एंड हाइट ऑफ द पिलर, ओके। अगर मैं इस लाइन को कंप्लीट ज्वाइन कर दूं यहां पर तो ये आपका कंप्लीट डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका रहेगा रेडियस, ठीक है। हाफ की मैं बात कर रहा हूँ, ये रेडियस है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका 2R होगा, ठीक है। तो बच्चों, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। आपको फाइंड करना है डायमीटर और हाइट ऑफ द पिलर, ठीक है। तो इसके लिए हम लेट कर लेंगे। अब देखिए, डायमीटर को तो आप लेट नहीं कर सकते क्योंकि आपको रेडियस फाइंड करना है सबसे पहले, उसी के बाद तो आपका डायमीटर निकलेगा। तो हम यहां पर लेट करेंगे रेडियस को, ठीक है। लेट रेडियस इज इक्वल टू आर, ठीक है। और हाइट को भी आप लेट कर लोगे, ओके। कितना मानोगे? एच, ठीक है। यहां पर हमने एच लिया है, यहां पर आर लिया है, तो ये आपने लेट कर लिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे? देखिए, ये सभी वैल्यूज आपको निकालनी है, लेकिन कैसे निकालोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम को मैनिपुलेट करके, ठीक है। मैनिपुलेट का मतलब होता है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कितना है? 264, ओके। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला है आपका, आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है बच्चों? 2 पाई आर एच, ओके, 264। अब बच्चों, आपको ना तो आर का वैल्यू पता ना एच का वैल्यू पता, तो एटलीस्ट आप इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो यहां पर आपका आ जाएगा 132, ठीक है। तो पाई आर एच का वैल्यू आपके पास आ गया, ओके, 132। अब बच्चों, साइड बाय साइड आपको क्या करना है? वॉल्यूम का भी रखना है फॉर्मूला, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर, ओके। क्यों रखना है? मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। वॉल्यूम कितना होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच, ओके, 924, ठीक है। यही आपको गिवन है। अब देखिए, यहां पर आप R को अगर मैं दो बार लिख दूं, पाई R R H, तो क्या कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब हम यहां पर देखिए, पाई R H एक साथ लिख लेंगे और R को अलग से लिख देंगे, ठीक है। एक R को आपने अलग लिख दिया सेपरेटली, ठीक है। अब देखो बच्चों, पाई R H का वैल्यू आपके सामने है 132। अगर मैं यहां पर इसका वैल्यू रख देता हूं 132, तो आपके पास इस R का वैल्यू निकल के आ जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? तो चलिए, हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो सिंपली क्या करना है आपको? पाई आर एच का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रखना है, ओके। तो आप क्या लिखोगे? सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ पाई आर एच
इन इक्वेशन टू। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं 132 इंटू आर इज इक्वल टू 924। ओके, तो आर का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 924 डिवाइडेड बाई 132। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 मीटर। ओके, तो बच्चों फाइनली आपके पास रेडियस का वैल्यू तो आ गया है लेकिन डायमीटर का वैल्यू नहीं आया। तो डायमीटर क्या होता है, d इज इक्वल टू 2 इंटू आर। तो सिंपली आपको r का वैल्यू यहां पर पुट करना है, ठीक है। डायमीटर कितना होता है, 2 इंटू आर, ठीक है। तो r का वैल्यू आपका 7 है, 2 इंटू 7 दैट मीन्स 14 मीटर। ओके, तो ये आपका डायमीटर का वैल्यू है। ओके, अब आपको निकालना है हाइट। तो हाइट के लिए आप क्या करोगे बच्चों, जल्दी से बताइए। तो बच्चों h का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप r का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? आप क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो आप r का वैल्यू जब यहां पर रखेंगे, ओके, पाई आर एच इज इक्वल टू 132, ये आपके इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, तो सिंपली आपको r का वैल्यू यहां पर रखना है, ठीक है। तो इसको आप लिख लेंगे 22 अपॉन 7 इंटू आर, आर का वैल्यू 7 इंटू एच, ओके 132। तो 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और h इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 132 अपॉन 22। ओके, क्या आप 11 से इसको सॉल्व कर सकते हैं? यस, ये आपका 2 पे जाएगा और ये आपका जाएगा, ये देखिए कितना जाएगा आपका, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा फाइनली 6 मीटर। ओके, तो आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। डायमीटर का वैल्यू है आपके पास 14 मीटर और हाइट का वैल्यू 6 मीटर। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो बच्चों आपने देखा कितना आसान था, सबसे पहले आपने लेट कर लिया रेडियस और हाइट को, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूलेस को आपने एक्सपेंड कर लिया और फिर यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना के आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपने सिंपली यहाँ पर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में वैल्यूज को पुट करके आसानी से आर और एच का वैल्यू फाइंड कर लिया। बच्चों कई बार होता है कि आपने कर्व सरफेस एरिया लिखा लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि किस तरीके से फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको एक साथ लिखना है, ठीक है। तो यहां से कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हिट करेगा कि देखिए यहां पर पाई आर एच है और यहां पर भी पाई आर एच है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है, यहां से आपका सॉल्यूशन निकल के आ सकता है। तो बच्चों इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। टू सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:2, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो ये आपके सामने दो सिलेंडर हैं, ओके। अब आपको क्या बोला गया है, दो सर्कुलर सिलेंडर हैं आपके पास, ओके, इक्वल वॉल्यूम है, इन दोनों का वॉल्यूम बराबर है, ओके। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सिंपल अगर हम वॉल्यूम लिखें तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ओके। अगर मैं इस सिलेंडर के लिए वॉल्यूम लिखूं तो कितना होगा, मान लीजिए ये आपका वी वन है, ओके, फर्स्ट वाला जो आपका सिलेंडर है इसके लिए मैंने वी वन बोल दिया और ये आपका सेकंड है तो इसके लिए हमने V2 लिख लिया, ओके। तो अब इसके लिए जो रेडियस है वो R1 और हाइट जो है वो H1 और सेकंड के लिए आपका रेडियस R2 है और हाइट H2, ओके। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे R1 स्क्वायर H1 और वॉल्यूम 2 सेकंड के लिए हो जाएगा आपका पाई इंटू R2 स्क्वायर इंटू H2, ओके। अब आपको गिवन है हाइट्स का रेशो कितना है, यानी कि H1 रेशो H2 आपको गिवन है, कितना है बच्चों, 1:2, ओके, ये आपको गिवन है। और निकालना क्या है आपको, रेडियस का रेशो निकालना है, ओके, आपको निकालना है रेडियस का रेशो, यानी कि R1:R2 आपको निकालना है। मेरी बात आ गई समझ में? तो बच्चों आपको स्टार्ट कहाँ से करना है इसको सॉल्व करना,
देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ है टू सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है, V1 और V2। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू V2। ओके, अब देखिए इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आप यहाँ पर V1 और V2 की जगह लिख दोगे, बहुत सिंपल है, पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2। ओके, अब देखिए पाई से पाई आपका कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर H2। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर लेके जाऊँ तो क्या होगा, इसके नीचे लेके जाऊँ तो क्या होगा, R2 स्क्वायर H2 इज इक्वल टू कितना बच्चों, ये आपका 1 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब देखिए H1 और H2 का रेशियो कितना है, या अगर मैं इस बात को ऐसे लिख लूँ इज इक्वल टू 1:2, एक ही बात है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए H1:H2, ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करना है, मेरी बात आ रही है समझ में, तो क्या लिखेंगे, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इंटू H1/H2, तो क्या लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू 1। ओके, तो बच्चों आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू कितना होगा 2/1। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए अगर मैं R1/R2 का होल स्क्वायर कर दूं, ठीक है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर था इंडिविजुअल, तो मैंने दोनों के ऊपर ही कर दिया। ओके, 2/1 इस तरीके से। अब बच्चों इसके बाद अगर मैं अंडर रूट ले लूं दोनों तरफ, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए अंडर रूट लेने से क्या होगा, चलिए मैं यहाँ पर लेकर दिखा देता हूँ आपको, R1/R2, ओके, 2/1 इस तरीके से, क्या कोई फर्क पड़ेगा, अंडर रूट से अंडर रूट आपका कैंसिल हो सकता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप R1/R2 इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2/1/2। ओके, क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं। अब इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2/1। ओके, तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा ये पावर में, ठीक है, तो R1/R2 कितना होगा बच्चों, अंडर रूट 2/1। ठीक है, ये आपका रेशियो होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको रेशियो फाइंड करना है किसका, रेडियस का। ओके,